अगर अबीरा इस फॉर्म को ज्वाइन करती है तो ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा पापा साहब, वरना सबको लगेगा आप अबीरा से डर गए। मैंने आज तक जितने भी केसेस लड़े हैं मैं सारे केसेस जीता हूं, पर अबीरा के साथ मैंने जितने भी केस लड़े हैं वो सब ड्रॉ हुआ है। इसलिए दादी सा ने भी अबीरा को जॉब ऑफर की है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टैलेंटेड है, मेहनती है, ईमानदार है, और हर फर्म को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। अगर ऐसा होता तो मासा मुझसे बात करती। मनोज, मासा ने इस बारे में तुमसे कुछ बात की? नहीं। सुना, अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो। कल तक जिस अबीरा को देख के मासा का मुंह बन जाता था, आज उन्होंने अबीरा को फर्म में जॉब ऑफर कर दी। उसके लिए भाभी सा से लड़ पड़ी। पहले मैंने चाहा कि अरमान अबीरा की शादी ना हो, आपने शादी होने थी। फिर मैंने चाहा कि अरमान और अबीरा घर छोड़ के चले जाए, आपने उन्हें रोक दिया। क्यों मासा? और अब आपने अबीरा को नौकरी का ऑफर दे दिया? क्यों? आपको भी मेरी हर बात गलत लग रही है ना मासा? हमने तुम्हें बेटी माना है विद्या, और बेटी माँ जितनी दूर की सोच ही नहीं सकती। किसी वजह से विद्या, हमने इस लड़की को फर्म में नौकरी की ऑफर दी है, लेकिन गुस्से के इस आंसुओं से तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं। इस वक्त तुम अपने बेटे और परिवार का भविष्य देख ही नहीं पा रही हो जो हम देख पा रहे हैं। मैं सिर्फ ये देख पा रही हूं मासा कि ना अरमान मुझे समझ पाया और ना आप मुझे समझ पाए। आप दोनों ने तो मुझे अकेला कर दिया। मैं आपको मां मानती रही मासा, लेकिन आप तो मेरी सांस निकली। एक नजर में किसी भी नए वकील के आने वाला कल का क्या हाल होगा वो बता सकते हैं, और तुम लड़की एड़िया रगड़ने वालों में से हो, बिल्कुल अपनी मां जैसे। तुम दोनों की शादी कभी सफल नहीं होगी। इस मां का श्राप है। दादी सा को हमेशा से तुमसे दिक्कत रही है, और आज अचानक से उन्होंने तुम्हें हमारी फर्म में जॉब ऑफर कर दी। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मुझे भी यही लगता है। क्या तुम ये जॉब लेने वाली हो? जॉब ले ली तो मां नाराज हो जाएंगी, नहीं ली तो दादी सा अपसेट हो जाएंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या साथ काम करना हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए सही रहेगा? आप मुझे पोदार फॉर्म में जॉब ऑफर कर रही हैं? घर की फॉर्म ज्वाइन कर लो, अरमान और तुम्हें एक साथ वक्त बिताने का मौका भी मिल जाया करेगा। वो लड़की बहुत काबिल है विद्या, वो इतनी काबिल है कि हम चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे। हे भगवान, तेरा हाथ जल गया। तुझे दर्द होता है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे दर्द हो रहा है माँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।